अस्सलाम वालेकुम। इजी वोकैबुलरी के लेसन में आज हम वर्ब प्ले की मीनिंग, इसकी फॉर्म्स और इससे बनने वाले नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब सीखेंगे। वर्ब प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड और इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। इसकी मीनिंग है खेलना। यहाँ खेलने से मुराद बच्चों का तफरी के लिए खेलना है, जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। बच्चे आंख मचोली खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। इसी तरह इसकी दूसरी मीनिंग भी है खेलना, लेकिन इस खेलने से मुराद कोई स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल वगैरह खेलना है। इसकी एग्जांपल है ही प्लेज क्रिकेट अमेजिंगली वेल। वो क्रिकेट बहुत ही जबरदस्त खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट अमेजिंगली वेल। अमेजिंगली वेल का मतलब है बहुत ही जबरदस्त या बहुत ही अच्छा, जैसे शी सिंग्स अमेजिंगली वेल। वो बहुत ही अच्छा गाती है। शी सिंग्स अमेजिंगली वेल। प्ले की तीसरी मीनिंग है कोई आला मौसीकी बजाना, जैसे गिटार, वायलिन या पियानो। ही कैन प्ले बोथ गिटार एंड पियानो। वो गिटार और पियानो दोनों बजा सकता है। ही कैन प्ले बोथ गिटार एंड पियानो। प्ले से बनने वाला नाउन है प्लेयर। प्लेयर की मीनिंग है खिलाड़ी, जैसे ही इज अ फुटबॉल प्लेयर। वो फुटबॉल का खिलाड़ी है। वर्ब प्ले से बनने वाला दूसरा नाउन है प्लेमेट। प्लेमेट की मीनिंग है साथ खेलने वाला दोस्त। जिस तरह बच्चे अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेलते हैं, हम उन्हें प्लेमेट कहते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर प्लेमेट्स। बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद देयर प्लेमेट्स। वर्ब प्ले से बनने वाला एडजेक्टिव है प्लेफुल। प्लेफुल की मीनिंग है जिंदा दिल या शोख मिजाज। इसकी एग्जाम्पल है प्लेफुल पीपल आर मोर क्रिएटिव देन अदर्स। शोख मिजाज लोग दूसरों से ज्यादा तख्लीकी जहन के मालिक होते हैं। प्लेफुल पीपल आर मोर क्रिएटिव देन अदर्स। प्लेफुल से बनने वाला एडवर्ब है प्लेफुली। प्लेफुली की मीनिंग है शोखी से, मजाक के लिए या तफरी के लिए। इसकी एग्जाम्पल है ही प्लेफुली पिंच्ड मी। उसने तफरी से या मजाक से मेरी चुटकी भरी। ही प्लेफुली पिंच्ड मी। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और मजेदार से लेसन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह नेगेवान।